हम वंस अगेन टू माई चैनल रोबस्ट बाजार। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। स्टील सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी की ज़ुबान पर नाम आता है टाटा स्टील। सबसे बेहतर स्टॉक टाटा का, सबसे दमदार स्टॉक टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक अच्छी अपसाइड रैली अब बनने की तैयारी बन रही है। यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड मूव बनाने की कोशिश बना रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपसाइड रैली बनने की तैयारी दिख रही है। यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़रूर होगा, थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेगा। स्टील स्टॉक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसा परेशान कर सकता है, लेकिन एक अपसाइड रैली कन्फर्म बना सकता है ये। और यहाँ से एक जो हमें अपर टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो इस लेवल पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है 998 के आसपास का, और सेकंड टारगेट इसमें आपका 1085 के आसपास का। अगर हमें यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो 934 का या 930 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इसमें हम लॉन्ग टर्म पोजीशन एक पोजिशनल टारगेट बना सकते हैं और एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक स्लो मूवमेंट दे सकता है, लेकिन आपको स्टॉक में काफ़ी अच्छे बेहतर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक ब्रेकआउट मिला है 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकलना चालू होता है। यहाँ से स्ट्रेंथ अब स्ट्रॉन्ग होना चालू हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी पसंद है स्टॉक और काफ़ी बार मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ट्रेड करना। और टाटा स्टील में, जब स्टील सेक्टर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टील सेक्टर में जब हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में तो टाटा स्टील सबके ज़ुबान पे सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे हमें टाटा स्टील पे ख़रीदारी कर सकते हैं आप आराम से करेंट लेवल से। और अपसाइड टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 से 1000 के ऊपर तक के इसमें आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा करें। थैंक यू सो मच।